वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ एमएसटी टॉपिक के ऊपर। तो एमएसटी इज बेसिकली मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का एक फ्लेवर है, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी होता क्या है कि जब भी हम लोग पैकेट ट्रेसर का यूज करते हैं, तो पैकेट ट्रेसर मतलब जो हम लोग टूल यूज करते हैं सीसीएनए लेवल के प्रैक्टिकल्स के लिए, उसके अंदर हम लोग एमएसटी का प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाए, उसके पीछे में रीजन यही है कि पैकेट ट्रेसर उस फीचर को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये कैसे क्या जानेंगे वो फीचर सपोर्ट करता है नहीं करता है? तो हम लोग ये सब जानते हैं कमांड लाइन के थ्रू। जैसे कि हम लोगों ने स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल देखा है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है। आरएसटीपी भी देख चुके हैं हम लोग, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किस तरीके से वर्क करता है वो तो हमें पता ही है। एमएसटी का अभी तक यहाँ पे मैंने कोई जिक्र नहीं किया था, बिकॉज एमएसटी का फीचर पैकेट ट्रेसर पे वर्क ही नहीं करता है। तो अभी मैं वही एक वही प्रैक्टिकल है एमएसटी का, हम लोग उसको करने वाले, लेकिन पैकेट ट्रेसर पे नहीं करने वाले। ठीक है, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वो फीचर पे किस तरीके से देखते हैं। उसके बाद हम लोग यूएनएल करके सिम्युलेटर है, जिसको आज के डेट में ईवी बोलते हैं। यूएनएल एक यूनिफाइड नेटवर्किंग लैब है। हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि पैकेट ट्रेसर जीएनएससी का अपडेटेड वर्जन है, और उसके अंदर सिस्को अलावा मल्टी वेंडर के भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सो लेट्स जंप टू द स्विच नंबर वन। यहाँ पे आप देख सकते हो शो स्पैनिंग ट्री चला रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो स्पैनिंग ट्री एनेबल है। यहाँ पे स्पैनिंग ट्री मोड क्वेश्चन मार्क डालता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास दो ही फीचर है यहाँ पे, एक है पीवीएसटी एक है रैपिड पीवीएसटी। हमें एमएसटी का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। जब ऑप्शन ही नहीं तो हम लोग कॉन्फिगर कैसे करेंगे, राइट? आई एम नॉट श्योर कि सिस्को ने ये फीचर पैकेट जैसे के अंदर क्यों नहीं डाला, बट माइट बी इन फ्यूचर जब वो अपडेट करेंगे। अभी तो फिलहाल 8.2 चल रहा है, इन फ्यूचर शायद से वो फीचर वो एड ऑन कर सकते हैं, बिकॉज हमेशा सिस्को कुछ ना कुछ नई चीजें अपने पैकेट जैसे में एड ऑन करता है। तो आई एम श्योर ये भी चीज कुछ समय के बाद आ जाएगी। बट एनी वेज, अभी हम लोग ये प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? ये प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास अलग टूल है, जैसे कि मैंने बताया दैट टूल विच इज कॉल्ड एज यू एन एल, जिसके ऊपर मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। ठीक है, लोग ईवी का भी यूज करते हैं, जीएनएससी का भी यूज करते हैं, लेकिन मैं काफी यूजर फ्रेंडली यूएनएल के साथ इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपने पैकेट जैसे भी टोपोलॉजी देखा था, यहाँ पे भी मैंने सेम टोपोलॉजी बनाई है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे मेरे पास एक स्विच है जो अनादर स्विच के साथ कनेक्टेड है एज ए ट्रंक, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, अभी हम लोग इसके अंदर ना कुछ चीजें समझने वाले हैं, कैसे है क्या चीजें है वो हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया पैकेट जैसे में हमें एमएसटी का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे कैसे दिखेगा चलो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डिवाइस को स्टार्ट करता हूँ, राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो मुझे कुछ नोटिफिकेशन भी मिल गए राइट हैंड साइड में। ठीक है, देन राइट क्लिक और जस्ट सिंगल क्लिक ऑन इट, इट विल गेट द कंसोल। मैं हमेशा पुट्टी से ही कंसोल लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। इट इज टेकिंग सम टाइम बट कोई नहीं, बूट होता है स्विच थोड़ा टाइम तो लेगा ही लेगा, हमें वेट करना पड़ेगा। लेट्स सी, दोनों डिवाइसेस ऑन है, ऑन तो है। ठीक है, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड स्विच को भी हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। दिस इज माय फर्स्ट स्विच। अभी यहाँ पे ना आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों का नाम स्विच स्विच ही है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा होस्ट नेम देके चेंज कर देते हैं नाम, होस्ट नेम SW02। ठीक है, दोनों स्विचेस है मेरे पास, स्विच वन एंड स्विच टू। ठीक है, नाउ शो विलेन, आप देख सकते हो जो हम लोगों ने इसके पहले नॉर्मल स्विच पे देखते थे वही सेम चीजें हैं, कुछ भी अलग नहीं, कमांड लाइन इवन सेम, हम लोग कुछ भी अलग नहीं कर रहे। लोगों को लगता है कि मैं अलग टूल यूज कर रहा हूँ तो कुछ अलग कमांड लाइन होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इनका थोड़ा सेटअप करने का स्ट्रक्चर अलग है, इंस्टॉलेशन एंड थोड़ा बहुत कॉन्फिगरेशन करने का स्ट्रक्चर अलग है, नॉट ऑन द डिवाइस लेवल कॉन्फिगरेशन, सिमुलेटर लेवल। जैसे कि पैकेट ऐसा का कॉन्फिगरेशन प्रोसेस होता है सेम एस यूएनएल का, ईवी का होता है, इमेजेस को हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बोल सकते हैं। एनीवेज, स्पैनिंग ट्री मोड
अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे ये दो ऑप्शन हमें पैकेट पैसे पे भी देख रहे थे, देखने को मिलते थे, लेकिन वहां पे एमएसटी का ऑप्शन नहीं था। मैं आपको ना वो एक बार दिखा देता हूँ, वो भी विंडो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो एमएसटी का ऑप्शन वहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एमएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एमएसटी स्पेलिंग से मोड एमएसटी दोनों साइड में सेम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं एमएसटी। ठीक है, बिफोर डूइंग स्पेलिंग से एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं चार चार विलेन क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि विलेन 10, 20, 30, 40। यहाँ पे ना कुछ ऐसे भी फीचर्स है, लाइक इसके पहले मैं पैकेट पैसे में किस तरीके से कॉन्फ़िगर करता था आपको शायद याद होगा, लेकिन मैं स्टिल एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि मैं कॉन्फ़िगर करता था कॉन्फ़िग टर्मिनल, विलेन 10, नेम HR, विलेन 20, नेम IT, इस तरीके से, राइट। लेकिन GNSC के अंदर या तो फिर हम लोग UNL के अंदर इस तरीके से भी डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब चारों विलन एक्साइज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी विलन को नेम असाइन नहीं कर रहा, दोनों साइड में सेम करना है कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए मैं दोनों साइड में सेम कॉन्फ़िगरेशन रख रहा हूँ। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो मेरे पास स्विच 1 है इसके ऊपर मैं जो चार विलन बनाए 10, 20, 30, 40, तो इसके अंदर जो मैं 10 एंड 20 है उसके लिए रूट ब्रिज बनाने वाला, मतलब एज अ प्राइमरी, 30 एंड 40 के लिए सेकेंडरी बनाऊंगा, और स्विच 2 पे 30 एंड 40 को प्राइमरी बनाऊंगा, 10 एंड 20 को सेकेंडरी बनाऊंगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एमएसटी। एमएसटी ये वर्क करता है तुम्हारे इंस्टेंसेस के बेसिस पे। इंस्टेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया विलन का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ट्रंकिंग। अभी क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारे पास रियल प्रोडक्शन में स्विचेस होते हैं, तो इसका जो ओएस है, अगर मैं इसका ओएस दिखाता हूँ विच इज एग्जैक्ट सिमिलर एज अ रियल प्रोडक्शन नेटवर्क, कुछ भी डिफरेंस नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई कमांड आप चला रहे हो और वो रियल प्रोडक्शन में नहीं चलेगी, या तो रियल प्रोडक्शन में कोई कमांड चला रहे हो और वो इस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। A to Z सभी कमांड यहाँ पे वर्क करेगी जो रियल प्रोडक्शन में करती है। इंटरफेस इतने 0/0, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q, स्विच बोर्ड मोड ट्रंक। ठीक है, शो स्पैनिंग सी कर लो, आप देख सकते हैं स्पैनिंग, सो नॉट स्पैनिंग सी, शो इंटरफेस ट्रंक कर लो, आप आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा। आपने एनकैप्सुलेशन ऑन कर चुके हैं, यहाँ पे चल देख सकते हैं स्पैनिंग सी इज वर्किंग, शो इंटरफेस ट्रंक देख सकते हैं, लेकिन अभी तक ये ऑटो मोड में है। ट्रंकिंग का बिहेवियर जैसे कि मैंने इसके पहले बताया है, स्विच फॉर ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q, स्विच फॉर मोड ट्रंक डन। दोनों साइड में आप देख सकते हो अभी शो इंटरफेस ट्रंक। अगर मेरा थोड़ा टाइपिंग या कमांड लाइन फास्ट में चल रहा है तो आप पॉज करके देख लेना, ठीक है, देख सकते हैं दोनों साइड में सेम आउटपुट है। हम लोगों ने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, अभी हम लोग एमएसटी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। काफी सिंपल है, स्पैनिंग ट्री मोड एमएसटी। ओके, स्पैनिंग ट्री एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आप क्वेश्चन मारने के बाद आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी जो आप एमएसटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, इंस्टेंसेस क्रिएट करने वाले। इंस्टेंस क्या होता है, एक नथिंग बट अ ग्रुप। ठीक है, इंस्टेंस क्वेश्चन मार्क डालते हो तो आपको 0 से लेके 4094 तक इंस्टेंसेस, मतलब ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैं इंस्टेंस 1 बनाता हूँ और इसके अंदर मैं विलेन को एड ऑन करता हूँ, विलेन 10 एंड 20, मतलब जो 1 ग्रुप है उसमें विलेन 10 एंड 20 है, और इंस्टेंस 2 बनाता हूँ उसके अंदर मैंने विलेन डाल देता हूँ 30 एंड 40। तो रन पाइप सेक्शन MST, ये कमांड से आप देख सकते हो आप मैंने क्या कॉन्फिगर किया है। आपको सेम कॉन्फिगर सेकेंड स्विच पे करना है, आप सेम कर लो या तो कॉपी पेस्ट कर लो, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। शो रन पाइप सेक्शन MST, मैंने कॉपी पेस्ट ही किया, आप देख सकते हो दोनों साइड सेम कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नाउ
अभी यहाँ पे अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री चलाता हूँ तो आप देख सकते हो MST 0, ठीक है, मतलब जो हमारा स्विच 1 है ऑलरेडी रूट ब्रिज है। MST 1 जिसके अंदर विद एंड 10 एंड 20 पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो भी एज अ रूट ब्रिज वर्क कर रहा है, एंड MST 2 एज अ रूट ब्रिज ही वर्क कर रहा है, ठीक है। बट सेकंड स्विच जो हमारे पास है, अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री चलाता हूँ यहाँ पे, तो इसमें से ना MST 0 ना MST 1 ना MST 2 कोई भी यहाँ पे एज अ रूट ब्रिज परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा कंसर्न क्या है, मुझे विद एंड 10 एंड 20 के लिए स्विच 1 को रूट ब्रिज बनाना है, करेक्ट, एंड विद एंड 30 एंड 40 के लिए स्विच 2 को रूट ब्रिज बनाना है। इन केस फिर मुझे वाइस वर्सा भी कराना है, तो सेकेंडरी रहेगा स्विच 1 के लिए 30 40 एंड सेकेंडरी रहेगा स्विच 2 के लिए 10 एंड 20, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो कैसे परफॉर्म करेंगे, लेट्स सी, सॉरी, कैसे परफॉर्म करेंगे स्पैनिंग ट्री। MST, अभी यहाँ पे आपको इंस्टेंसेस का नंबर डालना है, क्वेश्चन मार्क डालोगे तो आपके पास ना इंस्टेंसेस का नंबर डालना है जो आपने क्रिएट किया है। तो MST 1 रूट प्राइमरी, क्योंकि मैं MST 1 में विलेन 10 एंड 20 को डाल रहा हूँ, वहां पे प्राइमरी, और सेम एज MST 2 को मैं करने वाला हूँ रूट सेकेंडरी, और इसका मैं वाई से वत्ता करने वाला हूँ सेकेंडरी स्विच में। स्पैनिंग ट्री MST 1 रूट सेकेंडरी, स्पैनिंग ट्री मतलब 10 20 सेकेंडरी हो जाएगा, MST 2 रूट प्राइमरी, 30 40 यहाँ पे प्राइमरी हो जाएंगे, ठीक है, मेरे वर्डिंग को ध्यान रखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको भी वेरीफाई करना है, देखो अभी MST 1 विलेन 10 एंड 20 के लिए स्विच 1 प्राइमरी है इसलिए वो रूट ब्रिज दिखा रहा है, लेकिन 30 एंड 40 के लिए रूट ब्रिज नहीं दिखा रहा है, बिकॉज 30 एंड 40 के लिए स्विच 2 हमारा एक्टिंग एज अ रूट ब्रिज। देखो 10 एंड 20 के लिए ये रूट ब्रिज नहीं, बट 30 एंड 40 के लिए ये रूट ब्रिज है इसलिए हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरे पास विलन 10 एंड 20 का ट्रैफिक आएगा, सो स्विच 1 विल बी द रिस्पॉन्सिबल एज अ प्राइमरी पर्सन, एंड स्विच 2 30 एंड 40 के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और अगर फेल होता है कोई तो सेकेंडरी स्विच के ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी सेकेंडरी कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप MST का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। शो रन पाइप सेक्शन MST, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, अभी यहाँ पे ना आप एक देखोगे कि प्रायोरिटी दिख रहा है रूट प्राइमरी सेकेंडरी, रूट प्राइमरी एंड सेकेंडरी करते हो ना आप, वो ऑटोमेटिक प्रायोरिटी ले लेता है। इन केस आपको लगता है कि मुझे प्रायोरिटी के थ्रू करना है, मैन्युअली देना है, स्टिल यू कैन डू इट, ठीक है। दैट इज ऑल्सो सेम प्रोसेस, आपको डालना है स्पैनिंग ट्री MST 1, प्रायोरिटी की जगह पे डाल रूट की जगह पे डालना है प्रायोरिटी, और उसके बाद आपको 0409 उसके अकाउंट में आपको नंबर डालना है। इसी तरीके से आप MST का कॉन्फिगरेशन कर सकते हो। या दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट MST। यप, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।